हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये ब्रदर का प्रिंटर है, यहाँ पे ब्रदर देख सकते हैं, DCP T520W मॉडल है ये प्रिंटर। में जो है अभी इस प्रिंटर में जो है इसका जो है इंक जो है रिफिल करना, इसमें हम बताएंगे। तो अभी मेरे पास जो है ये ब्लैक का इंक है, ये ब्लैक वाला है। तो ये मेरा जो है ब्लैक वाला इंक जो है यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा यहाँ पे इसमें इंडिकेट कर रहा है इंक लो ब्लैक, यानी कि जो मेरा ब्लैक वाला जो इंक है वो मेरा इसमें लो हो गया, कम हो गया। ये यहाँ पे इसमें फिर से जो है रिफ़िल करने बोल रहा है, तो इसको हम इसमें रिफ़िल करेंगे। और इसको रिफ़िल कैसे करना है वो आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में बताएंगे। तो यहाँ पे आपको रिफ़िल करने के लिए यहाँ पे जो है प्रिंटर को जो है यहाँ पे देखिए इस तरह सब कुछ आपका यहाँ पे रहेगा। इसको आप इस तरह से करके आप ओपन कर लें, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो सा भी कलर आपको इसमें रिफ़िल करना है, जो आपका कलर नहीं है वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे सभी जो है यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो जहाँ पे जिस तरह का आपका कलर है सेम उसी तरह से आपको जो है यहाँ पे कलर आपका इसमें भरना है। अगर आपको इस पे यहाँ पे अगर ये येलो है तो यहाँ पे अगर आप ब्लैक वाला दे देंगे या फिर कोई भी दूसरा कलर देंगे, सेम कलर नहीं देंगे, तो फिर आपका जो प्रिंट है वो आपका बिल्कुल सही नहीं होगा, वो सब जो है गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यानपूर्वक आपको इसमें अच्छे से इसमें जो है इसमें रिफ़िल करना है। तो अभी मेरा ब्लैक वाला है तो इसको हम रिफ़िल करेंगे। और आपको यहाँ पे जब भी आप अपने कोई भी प्रिंटर है, आपके पास ब्रदर का प्रिंटर है, HP इप्सन या फिर कोई भी कंपनी का प्रिंटर है, तो वो जो है इंक इसमें आप ऑनलाइन से कभी भी नहीं मंगाएं। अगर आप ऑनलाइन से मंगाएंगे, जैसे मेरे पास एक कैनन का प्रिंटर था तो उसको हम ऑनलाइन से इसमें इंक मंगाए थे, ऑनलाइन से काफ़ी मुझे सस्ता मिला था। तो फिर उसमें ऑनलाइन में जो आपका इंक मिलता है वो डुप्लीकेट रहता है, वो कॉपी रहता है। अगर उसको आप इसमें कोई भी प्रिंटर में इसमें यूज करेंगे तो आपका प्रिंटर जो भी आपका प्रिंट करता है एक हेड रहता है, उसी में आपका इंक जाता है और इंक जाके फिर आपका जो है पेज को प्रिंट करता है। तो वो जो हेड है वो आपका उसमें डुप्लीकेट इंक जाने से आपका जो हेड है वो आपका हेड खराब हो जाएगा, कोई भी प्रिंटर है। तो आप उसमें गलती से भी जो है आपको डुप्लीकेट इंक नहीं आपको जो है यूज करना है। अगर आप डुप्लीकेट इंक यूज करेंगे तो आपको 1 से 2 महीना ही चलेगा, और फिर आपका जो है प्रिंटर आपका पूरी तरह से खराब कर देगा। और जब आपका एक बार प्रिंटर खराब हो जाएगा तो वो हेड आपका खराब हो जाएगा, और हेड आपका रिपेयर बिल्कुल नहीं होगा, हेड आपको जो है डायरेक्ट नया लगाना होगा। न्यू लगाने के लिए आपको जो है जो जैसा आपका प्रिंटर है उस पर डिपेंड करेगा, उसमें आपका 2000 से लेके 5000 तक जो है आपका हेड का जो है इसमें आपका न्यू लगाने पर उतना दाम लग ही जाएगा, और उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल इंक ही लगाना पड़ेगा। तो आप जब भी कोई भी प्रिंटर में उसमें रिफ़िल करें तो आप 100% जो है ओरिजिनल रिफ़िल करें। आप जहाँ से आप लोकल मार्केट में अपने लें, जैसे मेरे पास ये ब्रदर का यहाँ पे ब्लैक वाला है, तो ये जो अभी मैं मार्केट से लाएँ तो मेरा जो है 570 रुपये के आसपास ये लगा। यही अगर ये ब्लैक के अलावा कोई हम दूसरा इंक लेंगे तो मेरा जो है 450 के आसपास लगेगा। ब्लैक वाला ज़्यादा इसलिए लगता है क्योंकि इसमें जो है ब्लैक वाला में ज़्यादा इंक रहता है, इसीलिए। तो आप जब भी यूज़ करें आपका ओरिजिनल वाला यूज़ करें, और जहाँ पर आप इंक लें वहाँ पर उसको आप पूछ लें उस दुकानदार वाले को कि भैया ये आपका ओरिजिनल इंक है या नहीं है, उसको आप अच्छे से पूछ लें ताकि वो आपका ओरिजिनल रहे तो ही आप लें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर रिफ़िल कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम ओपन करेंगे, और ओपन करके यहाँ पर इस तरह से ओपन करेंगे, और इस पर जो है यहाँ पर फिर इसमें हम बोतल लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें जो आपका डुप्लीकेट इंक रहेगा और ओरिजिनल इंक, वो दोनों में आपका यहाँ पे से पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे जो भी आपका ओरिजिनल इंक रहेगा उसको जब आप इंक को इंक बोतल, जैसे ये कि ये आपका इंक बोतल है, इसको जब ऐसे करेंगे तो ये ऊपर में जो है इंक आपका बिल्कुल भी नहीं लटका हुआ रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो है ऊपर में बिल्कुल भी जो है इंक लटका हुआ नहीं है, यहाँ पर देखिए। और यही अगर आपका डुप्लीकेट वाला रहेगा तो यहाँ पर जो है आपका इसको जब ऐसे इस तरह से पलट देंगे तो आपका जो इंक है वो आपका ऊपर में जो है लटका हुआ रहेगा, जो आपका डुप्लीकेट रहेगा उसमें झाग आपका बहुत कम बनेगा, और आपका ओरिजिनल इंक है जो है उसमें झाग आपका बहुत ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा हम जूम करके इसमें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको जब अब इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर में जो है यहाँ पर देखिए आपका झाग बन जाएगा, और झाग आपका इसमें ओरिजिनल इंक में ही ज़्यादा बनता है, डुप्लीकेट में इंक में नहीं बनता है। और जब आपको इसको आप ये बोतल को इसको ऐसे सीधा से जब आपको इस तरह करेंगे तो आपका जो है ये आपका सारा इंक जो है नीचे आ जाएगा, ऊपर के साइड में थोड़ा सा भी जो है आपका इंक नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपका ओरिजिनल इंक का यही पहचान रहता है, और बाकी बात ये आपका दाम भी प्राइस भी आपका डुप्लीकेट इंक से काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ये आपका जो है जितना बताएं उसके आसपास रहेगा। तो चलिए इसको हम रिफिल कर देते हैं।
ये यहाँ पे इंक इसमें आपका पूरा इसको फिल करने के बाद, रिफिल करने के बाद यहाँ पे जो है आपको कुछ इसमें सेटअप करना पड़ता है। तो चलिए इसको हम पूरा रिफिल कर लेते हैं, और रिफिल करने के बाद फिर इसमें यहाँ पे जो भी सेटअप करना पड़ता है उसको हम इसमें सेटअप करके आपको इसमें दिखाते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो पे बने रहें। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो है बोतल में जो है थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा भी जो है इंक नहीं है, सारा इंक है जो है नीचे आगे और पूरे बोतल में जो है एक झाग जैसा इसमें बना हुआ है। तो ये आपका ओरिजिनल इंक रहेगा तो बिल्कुल आपका इसी तरह रहेगा और इतना ही आपका झाग बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है ओरिजिनल इंक में झाग बनता है। तो चलिए मेरा जो है लगभग रिफिल हो चुका है, अब इसमें हम आपको सेटअप करके इसमें दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरा ये रिफिल हो चुका है, अब इस ढक्कन को हम इसको लॉक कर देंगे, और यहाँ पर लॉक करने के बाद फिर जो है इसको हम इस पे लगा इसको सेट कर देंगे। और यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने जो है इंक को रिफिल किया, तो यहाँ पे अगर यस और नो का ऑप्शन दे रहा है ऊपर वाला, यहाँ पे इसको आप ऊपर वाला दबाएंगे तो यस होगा, नीचे वाला दबाएंगे तो नो होगा। तो यहाँ पे मैंने किया तो यस मैं किया करता हूँ। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें जो है आप कौन कौन सा इसमें जो है इंक को रिफिल किए हैं, आप यहाँ पे CM किए हैं, आप ही कौन सा किए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे D60B की है ये मॉडल, और यहाँ पर जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि CM मतलब होता है कि आपका सारा इंक को आपने रिफिल किया या फिर कुछ जो है इसमें रिफिल किया। तो मैंने सिर्फ ब्लैक को किया तो मैं यहाँ पे नो करूँगा, तो यहाँ पे मैं नो किया। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि सी वाला आप किए कि कौन सा किए, तो मैंने सी नहीं किया। मैं यहाँ पे एक वाई वाला पूछ रहा है तो मैंने ये भी नहीं किया। और यहाँ पे देखिए अब आया कि यहाँ पे बी के यानी कि ब्लैक वाला आपने रिफिल किया, तो यहाँ पे ये यस ऊपर वाला यहाँ पे दिया है, तो मैं यहाँ पे ऊपर वाला यस को दबाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने यस को दबाया और यहाँ पर जो है ये आपका बिल्कुल सेटअप हो चुका है। तो इसी तरह आप सेटअप कर सकते हैं, और यहाँ पर कुछ भी इसमें आपको समझ में नहीं आता तो यहाँ पे सब कुछ इसमें इंडिकेट करता है। और जब भी आपका कोई भी चारों में से कोई भी आपका इंक कम होता है तो यहाँ पर आपका इंडिकेट करने लगता है, उसको आप ध्यान दें और आप अपना इंक को जो रिफिल करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।